व्हाट्सअप फ्रेंड्स, ये सब लोग कैसे मिले गए न्यू वीडियो। और आज की वीडियो आप सब लोग बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप इंस्टा पर अपना फोटो कैसे डाल सकते हैं छोटे छोटे डिब्बू में। तुम देख सकते हैं मेरे प्रोफाइल में जाएंगे और आप, मैं बता देता हूँ कि ऐसी फ़ोटो कैसे डाल सकते हैं। तो आसान से टिप है जिसके ज़रिए आप इतनी बड़ी फ़ोटो अपनी इंस्टा पर डाल सकते हैं। तो एक ऐप बताऊँगा जिसको इंस्टॉल करना है, जिसके ज़रिए आप अपनी फ़ोटो ऐसे डाल सकते हैं। तो वीडियो शुरू कर दें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। आपको दिख रहा होगा कॉर्नर में ये ऐप, देख लो ये ऐप हो। इस ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। तो इस ऐप को ओपन कर लेते हैं और ओपन करने के बाद यहाँ से कोई भी फ़ोटो सिलेक्ट कर लेते हैं गैलरी से। और गैलरी से सिलेक्ट करने के बाद गैलरी से यहाँ से कोई सा फ़ोटो हो, जैसे हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। फ़ोटो नीचे जाते हैं, साला फ़ोटो ही नहीं मिल रहा है कोई ढंग का। जैसे ये फ़ोटो लेते हैं, सिंपली इस फ़ोटो को यहाँ से आपको जितना चाहिए, अगर 3x3 में चाहिए तो ये हो जाएगा आपका 9 फ़ोटो डल जाएंगे इंस्टा पर। और अगर ज़्यादा चाहिए तो इसने बड़ा बड़ा भी कर सकते हैं ज़्यादा फ़ोटो। और यहाँ से हम सिलेक्ट करके यहाँ पे ऊपर कॉर्नर पर आपके को निशान दिखा होगा, इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं सिंपली इसका डिब्बू में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ से हम सिंपली एक पे क्लिक करेंगे। एक पे क्लिक में आपको फिड दिख रहा होगा, फिड पे स्टोरी इंस्टा पर यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम ऊपर नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा। हमें आपको इंस्टा पर डाल कर बता देता हूँ कि आप इंस्टा पर अपना फ़ोटो कैसे डाल सकते हैं। यहाँ पे शेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा, शेयर पे क्लिक करेंगे। और ये देखो सिंपली ये फ़ोटो इंस्टा पर जा चुका है। तो यहाँ पे मैं प्रोफाइल में जाऊँगा और देखो ये फ़ोटो ऊपर आ गया है। देखो दिख ही रहा होगा आपको ये फ़ोटो। इस तरीके से आप सिंपली बैक आ जाएंगे और दूसरा फ़ोटो भी डाल सकते हैं तुम्हें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना। अगर ज़्यादा अच्छा लगे तो अपने मित्रों में शेयर जरूर कर देना वीडियो को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।